हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टमाटो मशरूम की एकदम इजी सी रेसिपी, बिना अनियन बिना गार्लिक के। सो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करके हींग पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड किया हुआ जिंजर डालेंगे और इसको हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पर सॉट कर लेंगे। अब इसमें 3 बड़े टमाटो की प्यूरी डाल देंगे और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सो 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए जो टमाटर है इसने हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें मटर डाल लेंगे। सो 1 बड़ा कप यहाँ मैंने मटर डाल दिए हैं इसमें। अच्छे से इसको टमाटर में डाल के हिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मशरूम को कट किया हुआ है, उसे साफ़ करके अच्छे से इसमें डाल देंगे कट करके, और इसको मटर और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मशरूम अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और चॉप्ड किया हुआ फ्रेश धनिया डाल देंगे। और अब इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से हम मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का कुक करेंगे और ये मशरूम मटर की रेसिपी बनके हो गई है तैयार। इसमें ना हमने अनियन का यूज़ किया है ना ही गार्लिक का यूज़ किया है। एकदम इजी यमी टमाटो मशरूम की रेसिपी। आप भी इसको ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए या आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।